रोशनारा बेगम, एक मुगल कालीन ऐसी शहजादी जिसने अपने एक भाई को सिंहासन पर बिठाया, गद्दी पर बैठाया और दूसरे भाई के सिर को कटवाकर अपने पिता शहनशाह के आगे भेंट किया। बिल्कुल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस समय रोशनारा बेगम के बारे में, जो मुगल कालीन की एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बेहतरीन शहजादी रही है और वो थी शाहजहां की तीसरी बेटी। तो गाइज, मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ रोशनारा बेगम का मकबरा, जो दिल्ली में बना हुआ है। मैं इसका आपको एड्रेस लोकेट कर दूं, मैं इस समय दिल्ली में हूँ, कमला नगर के पास शक्ति नगर में इनका एक मकबरा बना हुआ है, जो ये पूरा एरिया रोशनारा बाग के नाम से जाना जाता है। तो गाइज, ये आप मेरे पीछे देखिए, ये इसकी मेन एंट्री है, यहाँ से मैंने एंटर किया है और अब यहाँ से मैं अपना व्लॉग शुरू करता हूँ। ये अंदर हम चलेंगे इनके मकबरे की तरफ। तो गाइज, मैं इसकी आपको साथ साथ हिस्ट्री भी बताऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है शाहजहाँ की इस शहजादी के बारे में, तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा इसमें। सो कम ऑन गाइज, आओ दोस्तों इतिहास के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें इस शहजादी के बारे में। आप जो इस समय मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये है रोशनारा बेगम का टॉम बना हुआ। मैं इसका आपको एक ओवरलुक दे रहा हूँ बाहर से, अभी अंदर चल के हम देखते हैं कि इसकी सजावट कैसे करी गई थी और क्या वजह रही कि रोशनारा बेगम को अपना महल छोड़कर या अपने लिए एक महल बनवाना पड़ा और इस महल में रहना पड़ा। सो गाइस चले अंदर आए। सो गाइस, अंदर आते ही सबसे पहले ये हमें यहाँ पे जो इनका मकबरा है उसके चारों तरफ ये होदी सी दिख रही है। ये होदी होती है जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है। सो ये नहर के साथ इसका अटैच हो जाता है, जो पूरा इसमें पानी भरा रहता था, जिससे यहाँ पे पूरी ठंडक रहती थी। तो इसीलिए इस तरीके की होदी किले के चारों तरफ भी बना लेते थे कि ठंडक रहे। और आप ये नीचे देखिए, इस समय जो आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये उसी टाइम के वही पत्थर लगे हुए हैं, इसमें किसी भी तरीके का कुछ चेंजेस नहीं किया गया। सो ये जो बाउंड्री है, सेम वही बाउंड्री है जो उस टाइम पे बनाई गई थी। और ये बात है गाइज 16वीं शताब्दी की, जब रोशनारा बेगम अपना महल छोड़कर इस किले को बनवाया। ये जो जगह है, ये उनके पिता शाहजहां ने उनको खुश होकर ये वाली जगह दी थी जिसमें इन्होंने अपना महल बनवाया। सो बहुत सारे रीज़न रहे उनका यहाँ आने के कारण, उन्होंने आई जो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए थे जो इतिहास आज भी उनको याद रखता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं और आपको ये मैं अंदर से भी किला जाके दिखाता हूँ। ये जो टॉम बना हुआ है दोस्तों, ये किला चारों तरफ से चकोर बना हुआ है और इसको बरादरी भी बोलते हैं। बरादरी मतलब इसके क्या होता है कि चारों तरफ जो है तीन तीन दरवाजे होते हैं, तीन दरवाजे इस तरफ, तीन दरवाजे इस तरफ, तीन इधर, और उसके बाद अंदर एंटर करने के बाद भी तीन तीन दरवाजे अंदर ही चारों तरफ मिलेंगे। सो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है, जो रोशनारा बेगम ने अपने लिए ये महल बनवाया था और उनकी यही थी कि जब मेरे मरने के बाद यहीं पर ही मेरे को दफनाया जाए। सो मैं अंदर वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर उनको दफनाया गया था। सो गाइज, ये तीन दरवाजे बरादरी के, अब जब भी हम अंदर आ जाते हैं, देखिए अंदर आने के बाद सेम वही स्ट्रक्चर हमको मिलता है, तीन दरवाजे। तो ये चारों तरफ इसी तरीके के बने हुए हैं, तीन तीन, उसके बाद भी तीन तीन। सो ये जो दिल्ली में और बरादरी बनी हुई है उनमें से ये स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। अब ये देखिए, ये जो पिलर है ये ऊपर से वाइट पेंट कर दिया गया है, बट जो इसका बेस कलर रहा होगा वो वही बालू पत्थर जो स्ट्रक्चर पहले बनते थे। तो अब अंदर अगर आते हैं तो अंदर की आपको मैं नक्काशी दिखाता हूँ पहले। ये महल जब बनाया गया होगा तो बहुत इसको खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करवाया था, तभी इसमें आज भी जो उसके चिन्ह दिखते हैं कि अपने टाइम पे कितना खूबसूरत रहा होगा। तो एक बार आप ये पूरा देखिए गाइस, शाहजहां की तीसरी बेटी जहानारा का खुद के लिए बनवाया हुआ मकबरा और वो महल जहाँ वो लगभग 3 साल रही। तो ये महल के सामने आप देख रहे हैं गाइज, ये नहर का एक रास्ता है, यहाँ से नहर आती थी जहाँ से होदी में पानी आता था यहाँ पे। तो देखिए गाइज, मैं आपको रोशनारा बेगम के बारे में बताऊँ, ये एक ऐसी शहजादी थी जिन्होंने अपने भाई औरंगजेब को गद्दी दिलाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करे जो उनको गद्दी मिल जाए। ये लाल किले से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर ये महल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये उस टाइम पे शहनशाह ने इनको
गिफ्ट में करी थी। और दोस्तों उस टाइम पे गद्दी का अधिकार पाने के लिए आपस में औरंगजेब और शहंशाह के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, और इसकी सारी खबर जो है रोशनारा अपने भाई औरंगजेब को देती रहती थी। लगभग वो जासूसी का काम करती थी लाल किले में रहकर। और उसके बाद फिर औरंगजेब ने जो है अपने पिता को कैद कर लिया और अपने आप को उसने सुल्तान घोषित कर दिया था। और दोस्तों ये जो इतिहास की कुछ बातें हैं, सिंहासन पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए जो है कौन किस हद तक जा सकता है, कुछ चीज़ें हमें इतिहास में देखने के लिए मिलती हैं। औरंगजेब का भी कुछ ऐसा ही रहा, तो उन्होंने गद्दी पाने के लिए जो है अपने भाई का सर कटवाकर दारा शिकोह का अपने पिता शहंशाह को भिजवाया, और इस पूरी की पूरी जो राजनीति थी, रणनीति थी, वो कहीं ना कहीं रोशनारा बेगम के द्वारा करी गई थी। ये देखिए वो महल जो रोशनारा को उनके पिता शाहजहाँ ने भेंट में दिया था और उन्होंने अपने लिए बनवाया था। बाद में फिर लगभग 1771 में उनको यहाँ दिया गया था। और दोस्तों रोशनारा बेगम जो थी बहुत खुले विचारों की थी, और एक शायद कुछ इतिहासकारों का ये भी है जो काफ़ी प्रचलित भी है कि मुगल कालीन में जो शहजादियाँ थीं उनको शादी करने का या प्रेम करने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। तो बाद में जब रोशनारा बेगम किसी के प्यार में पड़ गई और ये चीज़ जब उसके भाई औरंगजेब को भी पता चली, तो उन्होंने फिर वही किया जो एक क्रूर या इस तरीके की घटनाएं हम देखते रहते हैं, तो वैसा ही था। उसने अपनी रोशनारा बेगम को एक पॉइजन का वो उनको गिलास दिया कि भी इसको तुम पी जाओ, यही तुम्हारी सजा है। तो उसने अपने दरबार में उसको वो पीने के लिए मजबूर किया, और दोस्तों वो फिर लगभग 1671 में जो है वो डेथ हो गई थी उनकी। और उसके बाद ये अब मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, वो जगह है जहाँ पे उनको यहाँ ला के दफनाया गया। यही उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे यहाँ दफनाया जाए। तो गाइस ये वो जगह है, देखिए, और वो बहुत खुले विचारों की थी, इसलिए ये आप जो देख रहे हैं जहाँ उनको दफनाया गया था उनकी कब्र, उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊं ये पूरा खुला आसमान, यहाँ पे छत नहीं दी गई। ये देखिए ऊपर बिल्कुल ओपन रखा हुआ है इनका, सिर्फ इसी वजह से इसको ऐसा रूप दिया गया कि इनकी खुले विचारों के कारण ये आसमान खुला रहे ऊपर से। तो गाइज ये देखिए इनका जो मकबरा बना हुआ है उसमें भी ऐसे ही तीन दरवाजे, और चारों तरफ इनके तीन तीन इसी तरीके के दरवाजे हैं जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा। उसके बीच में भी तीन द्वार, उसके बीच में भी इनकी कब्र के भी, ये देखिए 1 2 3, ये चारों तरफ तीन तीन द्वार इसी तरीके से बने हुए हैं सेम पैटर्न के। सो गाइज उस टाइम की 16वीं शताब्दी की काफी स्ट्रॉन्ग लेडी मानी जाती थी, और जब अंग्रेज भी यहाँ पे आते थे, जब वो उस शाहजहाँ के राजमहल में देखते थे कि महिलाओं को इतना पावर दिया गया था, तो ये एक ऐसी महिला थी जिनको महल में काफ़ी सारी पावर दी गई थी कि जो वो बहुत सारे डिसीजन लेने की खुद समर्थ थी। तो अंग्रेजों को भी लगता था कि हमारे जो लेडीज हैं हम इतना उनको भी अधिकार नहीं है जो वो अधिकार ये रोशनारा बेगम या उसकी बहन जहानारा को दिया गया था। तो गाइज हिस्ट्री की बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी है जो अभी मैंने यहाँ आके सारा सर्वे करा और जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज इस किले के चारों तरफ जो है ग्रीनरी बहुत है। इसके रास्ते एक आप ये पीछे देख सकते हैं, ठीक महल के उस तरफ से रास्ता है, एक हम मेन डोर से आए हैं और एक ये पीछे की तरफ रास्ता है। सो गाइज एक कुछ हमारी हिस्ट्री के ऐसे करेक्टर रहे हैं जिनके बारे में ना बहुत अवेयरनेस कम है। सो रोशनारा जो है शहजादी, वो उसी करेक्टर में से एक मैंने देखा है कि रही हैं जिनके बारे में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, बट अपने टाइम पे जब वो एग्जिस्टिंग था उनका, तो बहुत पावर रही
थी उस टाइम पे रोशनारा बेगम जी। सो गाइस कैसा लगा मेरे साथ यहाँ पे ये टॉम देख के आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं इसी तरीके से आपको नई नई ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा जो थोड़ी सी अवेयरनेस इनकी कम है। सो गाइस मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।